नमस्ते, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हो आप लोग ठीक हो, मस्त हो, तो फ्रेंड आप लोगों के साथ कुछ बातें ऐसी है जो शेयर करना चाहती हूँ आपको। बताऊँ, मैं अपना फैमिली समझते हूँ, तो फैमिली जो है जितने लोग हैं, भाई बहन जितने लोग देखते हैं, सबको अपनी फैमिली समझती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ आप लोगों से हर बातें शेयर करूँ। काफ़ी दिन तक का मैं सोच रही थी ना डालूँ वीडियो, पर मुझे आखिरकार डालना ही पड़ रहा है, क्योंकि यार जो भी लक्षण है मेरे सर पे मढ़े जा रहे हैं, मेरे सर पे लग रहे हैं लक्षण, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी घर में खराबी आए, किसी घर में कुछ हो, लफड़ा हो। यार मैं नहीं चाहती, कभी नहीं सोची हूँ, कभी आज तक, अब 22-23 साल की हो गई हूँ, कभी आज तक का नहीं सोचूँ। तो मैं सोचती हूँ अब क्यों सोचूँ, अब तो मैं पढ़ाई घर की हो गई हूँ, तब नहीं सोचती, तब तो मैं पढ़ाई करती हूँ। यार मैं बैठे बैठे रो रही थी, सोची जा रही थी मैं फ्रेंड्स बताओ या ना बताओ अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, क्या रिएक्शन रहेगा, मुझे ये सब नहीं पता। मैं सोच रही थी, बस रोई जा रही थी, सोच रही थी आखिर मैंने ये सब क्या गलती किया, क्या गलत किया जो मेरे साथ ही ऐसा होता है। आप लोग, मैं अपनी शादी का तो वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम थे, इसलिए मैं अपनी शादी का वीडियो नहीं बना पाई थी। तो जब मेरा एल्बम आएगा ना, तो आप लोग देखिएगा, मैं वीडियो डालूँगी, ऐसी बात नहीं है वीडियो शूट करके सारे वीडियो में डालूँगी, आप लोग देखिएगा मेरे साथ तो क्या सही हुआ क्या गलत हुआ है। जो भी है मैं बर्दाश्त करती थी, सबूरी था, मुझे कोई चीज़ का नहीं दिक्कत था। बस दो चीज़ देने से तीन भाई में मैं अकेली थी, अकेली इकलौती बहन थी। बस दो चीज़ देने में इतना बड़ा कलंक लग गया ना मेरे सर पे, इतना बड़ा कि मैं कभी नहीं सोच सकती। और आप लोग ज़्यादा ज़्यादा मोटिवेट करिएगा, आप लोग ज़्यादा ज़्यादा सब कमेंट करिएगा, जो मेरा कलंक में बैठा है, रो रो के मेरा पूरा हाल हो रहा है। मैं बस एक ही बात सोच जा रहा हूँ, मैं 23 साल से कभी नहीं बुरा थी, बस इतना बुरा हो गई, कुछ कह रही थी मैं, बहुत रो रही थी बस अकेली कमरे में रहती, घुटना करती, मैं सोचा करती हूँ ऐसा मैंने क्या कर, जो आज मेरे घर वाले पूछे घर वाले ठीक आए, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है, ऐसी बात नहीं है। पूरा खुल के वीडियो नहीं बना सकते फ्रेंड, आप लोग कमेंट करिए, मोटिवेट करिए, मैं भी मोटिवेट हूँ, मेरे अंदर भी हौसला बढ़े, हाँ मेरी ऑडियंस मेरे साथ है, मेरे यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है, बस मुझे यही चाहिए। जैसे आज तक हम हाथ में पत्ते तैयार हैं, वैसे ही मुझे भी आगे की ज़रूरत है आप लोगों की, आप लोग ज़्यादा ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दें। जितना मेरी किस्मत में लिखा था उतना मुझे मिल गया, मुझे नहीं पता था इतना मैं कलंकिनी बन जाऊंगी, नहीं तो दो सामान देने से मैं इतना कलंकिनी बन गई बस जिंदगी भर के लिए। मुझे पता होता तो ना कि दो सामान हम नहीं लेते, हमें पता होता ऐसे हम बन जाएंगे, ऐसे हम बुरा बन जाएंगे। वो सामान लेने से मैं इतना ज़्यादा बुरा बन गई हूँ कि क्या इस मैं बता नहीं सकती, बस इतना रोती जाती हूँ। अगले वीडियो में मैं कब
बताऊंगी क्या मेरे साथ ही हादसा हुआ है क्या नहीं हुआ। आप लोगों से मैं अब ये पहला वीडियो डाली हूँ, आप लोग मोटिवेट करेंगे तो मैं दूसरा वीडियो पक्का बनाऊंगी। मैं बताऊंगी मेरे साथ क्या गलत हुआ क्या नहीं गलत हुआ, पूरी एक एक बात बताऊंगी। बताना फिर मेरी कहाँ गलती है, कहाँ उन लोगों की गलती है, मेरा कोई नहीं। बस हम अपना यही मानते हैं, मेरा यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है, बस मोटिवेट करते सपोर्ट करते हो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा तो तभी हम भी मोटिवेट होंगे, मेरे अभी हौसला आगे बढ़ेगा। हाँ, मेरे यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है। इतना सर दर्द होता, बहुत सर दर्द होता, मैं सोचती रहती हूँ कि मैंने ऐसे क्या कर दिया जो मेरे साथ ऐसा गलत होता है। बैठी थी रो रही थी गाइस, तो मैं सोची चलो एक वीडियो बना लेती हूँ, बताती हूँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ। कैसा रिएक्शन होगा आप लोग तो मुझे खुद कमेंट करके बताइएगा कि मैं गलत कर रही हूँ कि वो लोग गलत कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा मुझे जरूर से जरूर कमेंट करके।